उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए हैं, वहाँ पे होर मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सकते हैं। मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी और सबका साथ। वो तो पहले ही से जाके उनके शरण में चरण में जाकर के नरमस्तक हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ प्राची सिंह आपके साथ। लोकसभा चुनाव के लिए भ्रमण किया जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 घंटे में दूसरी जनसभा करते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं, हुंकार करते हैं, लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हैं। वैसे में एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार एक वीडियो में नजर आते हैं प्रधानमंत्री का पैर छूने का, और वो वीडियो की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम मची। और वहीं रोहिणी आचार्य आज सुबह सुबह निकलती है लोगों के बीच, जब जाती है तो रोहिणी आचार्य भी कहती है जिस तरीके से नीतीश कुमार का वीडियो जो वायरल हो रहा है प्रणाम करने का, गलत लोगों के संगति में गए इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे क्या कुछ कर रहे हैं, पहले रोहिणी आचार्य, पहले उनकी बातों को सुनिए। मैं चाहे कहीं पे भी मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी और सबका साथ। पापी किसे मानती है आप, उस कृत के लिए जो घटना हुई? तो आप लिस्ट निकालिए ना, तो वाले अंकल अभी तक उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए हैं, वहाँ पे होर मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सकते, फेंकने की होर लगी हुई है। आप आइए ना, आप आइए, अभिवादन किया जिस तरह, आइए ना, अभिवादन किया प्रधानमंत्री का और तेजस्वी जी का सवाल खड़े किए, तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके शरण में चरण में जाकर के नरमस्तक हो चुके हैं। चलिए, अब तो आपने साफ तौर पे सुना, रोहिणी आचार्य का कहना है कि नीतीश कुमार जो है गलत संगति में चले गए हैं, और वहीं अपने क्षेत्र में जो घूम रही है सारण की जनता बखूबी जानती है। उन्होंने कहा, हम पहली बार मैदान में आए हैं, फिर भी लोगों का जो प्यार है वो बखूबी मिल रहा है। बता दें, सारण में एक तरफ राजीव प्रताप रूडी और दूसरे तरफ रोहिणी आचार्य, मुकाबला काफी दिलचस्प हुआ क्योंकि लालू प्रसाद यादव की लाडली है सारण में, जो उन्हें प्यार मिल रहा है। जनता जिस तरीके से आने वाले चुनाव के रुझान जब आएंगे तब ये देखना होगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य खुद कहती है कि लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि 4 जून को नतीजे वो देखने लायक होंगे। क्योंकि एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के लिए कहा, नीतीश कुमार की जो संगति है वो बुरे संगत में चले गए हैं। जी हां, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा बिहार की धरती नवादा में आते हैं तो उनका जो पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो गलत संगति जो एनडीए है वो गलत संगति का दौर है और उसमें डुबकी लगा चुके हैं नीतीश कुमार। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।